खाद और रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने लालगंज पहुंच होटल महावीर इनका शुभारंभ किया। कहा, सरकार की योजना अंत्योदय तक के लिए और पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों तक प्रतिमाह दो बार अनाज पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यदि कोई इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि लालगंज के नई बाजार मोहल्ला स्थित होटल महावीर में खान पान की व्यवस्था के साथ वैवाहिक आयोजन की व्यवस्था है। बहुमंजिला राष्ट्र की सेवा के लिए और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के अनुसार निरंतर काम किया करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महाविजय भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। आपके नियुक्तियाँ, आपके कार्यक्रम जो है धरातल तक पहुँच रहे हैं? निश्चित ही पहुँच रहे हैं। मैं कह सकता हूँ चाहे हर घर को आवास, बिजली कनेक्शन, शौचालय, किसानों को किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आज हर गरीब तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और इसी के नाते भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोदी योगी जी के नेतृत्व पे आम जनता का विश्वास बना हुआ है। 14, 17, 19, 22 और 24 में भी एक महाविजय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आम जनता के आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से दोहराने का काम करेगी। मोदी जी की अगुवाई में ही 24 का चुनाव लड़ा है। निश्चित ही मोदी जी आज पूरे देश और दुनिया के श्रेष्ठतम नेताओं में से मोदी जी के पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे देश का बना हुआ है। आने वाले समय में एक मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः लोकसभा का जो हमारा 80 की सभी 80 सीटों का जीतने का लक्ष्य, उसको जनता के आशीर्वाद से हम लोग प्राप्त करेंगे। आपको सर जो इस बार विभाग दिया गया है उसमें पीछे देखा गया है कि भ्रष्टाचार बड़ा चरम पे रहा है और आपको ये विभाग देकर बड़ी जिम्मेदारी आपको जो सौंपी गई थी उस पर किस तरह से आप काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 5.5 वर्षों में खाद्य एवं रसद विभाग ने तमाम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। वर्तमान में लगभग 3,67,00,000 राशन कार्ड धारकों और लगभग 15 करोड़ लोगों को हम लोग राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। कोरोना के महासंकट में पूरा जब देश और दुनिया में एक महासंकट के रूप में था, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हर गरीब तक हमने दो दो बार डबल इंजन की सरकार ने निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम किया। वर्तमान में अप्रैल माह से लेकर इधर सितंबर तक लगभग 5.5 लाख लोगों को नए राशन कार्ड से आच्छादित करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और मोदी योगी जी के नेतृत्व में कोई भी गरीब परिवार, हर व्यक्ति को राशन मिले, समय से राशन मिले, पूरी मात्रा में राशन मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। और अभी लगातार अभी जैसे कि चाहे ई पास मशीन के माध्यम से हम हर व्यक्ति को राशन इस समय दे रहे हैं, सभी को आधार कार्ड से लिंक करने का हमने काम किया, ये परिवर्तन है। इसके साथ साथ आने वाले समय में तौल मशीन और ई पास मशीन को जोड़कर पूरी मात्रा में जहाँ कहीं कटोली की शिकायत उसको पूरी तरीके से जोड़ने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रभावी? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे कि पहले एक समय हुआ करता था तहसील के कार्यक्रमों में, जिले के कार्यक्रमों में, कम किसी जनता दर्शन में ये शिकायतें आम हुआ करती थी, राशन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। वन नेशन वन कार्ड के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी राशन की दुकान पर अपना राशन ले सकता है। इसके साथ ही अभी जो हम ई पास मशीन की स्थापना के 100% हमने फुल प्रूफ किया है कि कोई भी व्यक्ति अब छूटने ना पाए, उसको राशन आज उपलब्ध होने का काम हो पा रहा है। तौल की जो कहीं कहीं पर जो शिकायतें आ रही हैं उसको भी दूर करने के लिए हम आने वाले समय में तौल मशीन और ई पास मशीन को जोड़ करके पूरी मात्रा में कहीं पर कोई गुंजाइश न रहे हम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने का काम। अब जो ट्रकों से माल आ रहा है कोटेदारों के ऊपर, बस जो है तौल पे कम निकल रहा है, उसका किस नजर से देखा? कहीं पर कोई तौल की कमी शिकायत नहीं है, जहां कहीं पर शिकायत आएगी उसमें हम लोग